वेलकम टू एग्री रनर ऐप टीम। आज हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर करंट अफेयर जनवरी का। पूरे जनवरी में सिर्फ 4 से 5 इवेंट ही ऐसे थे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इंडियाज फर्स्ट कोल बेस्ड स्ट्रेचर फर्टिलाइजर प्लांट टू बी रेडी इन ईयर 2024। आप इसको ऐसे समझिए कि कोल गैसिफिकेशन क्यों किया जाता है। कोल्ड गैसिफिकेशन किया जाता है अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए। ये जो है मेनली यूरिया को बनाने के लिए यूज किया जाता है। आप हमेशा सुनते होंगे न्यूज में कि यूरिया का शॉर्टेज हो गया। उस यूरिया की शॉर्टेज को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट जो है कोल्ड गैसिफिकेशन प्लांट लगा रही है, जिसको ट्रेचर बेस्ड फर्टिलाइजेशन प्लांट भी कहा जाता है। इसका सबसे पहला प्लांट लगने जा रहा है उड़ीसा में और वो कंप्लीट हो जाएगा अक्टूबर 2024 तक शायद। और ये बनने जा रहा है, हाँ अक्टूबर 2024 तक, और ये बनने जा रहा है अंगुल उड़ीसा में। नाम याद रखिएगा, अंगुल उड़ीसा। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किस स्टेट में इंडिया का फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन हो रहा है। तो और दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा आपका कि इंडिया का क्या टारगेट है कोल गैसिफिकेशन के लिए। तो 2030 तक इंडिया का टारगेट है 100 मेट्रिक टन कोल को गैसिफाई करने का, इससे ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर बनाने का। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ और उसको देखते हैं। FSSAI ने पहली बार बासमती राइस के लिए एक रेगुलेशन बनाया। इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको समझिएगा ध्यान से। FSSAI नोटिफाई द फर्स्ट इवर रेगुलेटरी स्टैंडर्ड फॉर द बासमती राइस। अब इसको ऐसे समझिए, इंडिया बहुत ज्यादा अमाउंट में बासमती राइस एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन कंट्रीज को और अरब कंट्रीज को। इसके पीछे का रीजन ये है कि इंडिया की बासमती राइस का डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो लंबे होते हैं, सेंटेड होते हैं, हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से प्रोडक्शन ज्यादा करने के कारण किसान जो है बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करते थे या फिर बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करते थे। तो हर कंट्री का अपना एक रेगुलेशन होता है कि इस पैरामीटर से ज़्यादा अगर आप फर्टिलाइजर यूज करोगे तो वो इंपोर्ट नहीं होने देंगे आपके कंट्रीज का। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए FSSAI ने एक बनाया रेगुलेटरी स्टैंडर्ड कि इस स्टैंडर्ड को आपका बासमती राइस अगर टच करता है तभी वो एक्सपोर्ट किया जा सकेगा दूसरे कंट्री में। इसका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत था क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट में बहुत मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो बासमती राइस का है। अब इसके लिए बस आपको एक चीज दिमाग में रखना है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि FSSAI ने फर्स्ट ईवर 2023 में एक अमेंडमेंट किया बासमती राइस को लेके। तो आगे चलते हैं, दूसरा न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर है जो आपको लिए जरूरी है, वो है झारखंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बादल पत्रालेख लॉन्चेस वाटर कंजर्वेशन स्कीम विथ 467.32 करोड़ आउटले। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए बस ये दिमाग में रखना है कि किस गवर्नमेंट ने वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या नया स्कीम स्टार्ट किया। तो झारखंड गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है और इसमें 467.32 करोड़ रुपीज खर्च करने जा रही है। इसमें जो की चीजें हैं जो आपको समझना होगा, इसमें 2133 पॉन्ड्स बनाए जाएंगे और इसके अलावा 2793 परकोलेशन टैंक बनाए जाएंगे। जिनको पता नहीं है परकोलेशन टैंक क्या होता है उनके लिए बता दूं, एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड सरफेस वाटर बॉडी टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए जो आर्टिफिशियली पॉन्ड बनाए जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं और नीचे उसमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, पानी धीरे धीरे परकुलेट करते रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बस आपको बजट याद रखना है और किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वो याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम फॉर 2023। अब ये समझिए कि ये न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पहले से हमारा फूड सिक्योरिटी स्कीम चल रहा है उसका नाम है नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम। इस स्कीम के अंडर में जिनके पास भी राशन कार्ड है उनको राशन दिया जा रहा है। लेकिन 1 जनवरी 2023 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि जो 81.35 करोड़ लोग हैं जिनको फ्री का राशन मिल रहा है वो कंटिन्यू मिलते जाएगा और उसको भी इंटीग्रेट किया गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। और गवर्नमेंट ने कहा कि मिनिस्ट्री है फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स की, उनका कहना है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा हम ये कंफर्म करेंगे कि ये 81.35 करोड़ लोग जो है इनको अच्छे से फूड मिलते रहे, ये कंटिन्यू फ्री राशन उठाते रहे। इसके बाद बैकड्रॉप इसमें ये है कि द यूनियन कैबिनेट रिजॉल्व द इंट्रोड्यूस न्यू
सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू सपोर्ट द मोस्ट वेल्युएबल 67% ऑफ द पॉपुलेशन। अब इसमें यह कहा गया कि पूरे देश की जो 67% ऑफ पॉपुलेशन है वो मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन है, मतलब गरीब पॉपुलेशन है, उनके लिए ये फूड राशन जो है ये कंटिन्यू करना जरूरी है। इस पर आप क्या बोलते हो? 81.35 करोड़, ये बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो फ्री राशन उठा रही है। अब आगे देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है AIF एक्सीड 30,000 करोड़ इन कैपिटल राइज फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हैव राइज मोर देन 30,000 करोड़ इन द कैपिटल फॉर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विथ सेंक्शन अमाउंट ऑफ 15,000 करोड़। अब ये समझिए, ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मिलता है, ये जो पैसे राइज किए जाते हैं, इनका यूज क्या जाता है? इनका मेन यूज जो होता है वो होता है पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटी बनाने में, ज्यादा से ज्यादा गोदाम्स और मंडीज बनाने में, जो भी एग्रीकल्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड है उसको कंप्लीट करने में इन फंड्स का यूज किया जाता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? आपके लिए याद रखना है कि 30,000 करोड़ कैपिटल राइज किया गया है और 15,000 करोड़ जो है सैंक्शन किया गया है इसमें। ये सारे करंट अफेयर जो थे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो उसको सुन लीजिए। AIF हैज फाइनेंशियल फैसिलिटी इंट्रोड्यूस ऑन 8 जुलाई 2020 फॉर क्रिएशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्म अक्रॉस द इंडिया। अगर कहीं पे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि AIF को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, वो इंट्रोड्यूस किया गया था 8 जुलाई 2020 को। ये सारे करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। फरवरी का करंट अफेयर हम एक दो दिन में अपडेट कर देंगे। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।